लगातार शहर में जो ना डेंगू पाँव पसार रही है, और डेंगू के कारण बहुत सारे हमारे शहर के लोग बीमार पड़ रहे हैं। 4500 वार्ड में जहाँ तहाँ गंदगी है, जहाँ तहाँ पानी लॉगिंग है, पानी जमा है, और कहीं ना कहीं जब से जनप्रतिनिधि नगर निगम से उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, तब से कहीं ना कहीं पदाधिकारी और कर्मचारियों का जो रवैया रहा है, तानाशाही रवैया रहा है, अपने अनुसार वो काम कर रहे हैं, और जनहित में उनका काम जो होना चाहिए था वो शिथिलता उस पर बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे आम पब्लिक इससे सफ़र कर रहे हैं। अभी बहुत ज़रूरी था कि चूना ब्लीचिंग बरसात के दिनों में छिड़काव होना था, एंटी लार्वा का छिड़काव होना था, फॉगिंग युद्ध स्तर पर होना था, ये सब में कहीं ना कहीं शिथिलता नगर निगम प्रशासन के द्वारा बढ़ता गया, जिसके कारण आज डेंगू इतना पूरे ज़िले में इतना डेंगू पाँव पसार चुका है। हम यही मांग करना चाह रहे हैं, हम लोगों ने 14 सूत्री मांग नगर आयुक्त को दिया है, जाके नगर आयुक्त नहीं थे, उप नगर आयुक्त से हमारी मुलाकात हम लोगों की हुई है, और जिसमें है कि पानी जहाँ जहाँ जमाव है वहाँ अविलंब पानी निकाला जाए, साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाए, चूना ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाए, उसके बाद शाम और सुबह दो दिन फॉगिंग का काम किया जाए, साथ ही जितने भी लाइट ख़राब है शहर के अंदर 4500 वार्ड के अंदर वो सारा लाइट मरम्मत हो, जितने भी रास्ते में ढक्कन सड़क टूटा हुआ है सारे का मरम्मत हो, ये सारा प्रावधान है, जबकि नगर निगम में कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा शिथिलता अपनाया जा रहा है, जिससे आम शहरी परेशान है। जिला में जल निकासी का आज से नहीं, बहुत दशकों से परेशानी है जल निकासी का, जो भी पुराना जो नेचुरल स्रोत था, गड्ढा जो भी पुराना स्रोत था, नाला मोरी सब भर दिया गया है स्थानीय लोगों के द्वारा, भर के उसमें घर बना लिया गया है, और कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था किया था मोहम्मदपुर साइड से लेकर वो अयोध्या बारी की ओर जाने वाला पानी निकासी का, उस पर भी नगर प्रशासन सही रूप से ध्यान नहीं दे रहा है। मोहम्मदपुर के लोग परेशान हैं, उनके खेत डूब रहे हैं, जबकि नगर निगम प्रशासन शिथिलता बरते हुए है, वो एक्टिव होने की ज़रूरत है, यहाँ पदाधिकारी के साथ साथ कर्मचारियों को भी एक्टिव होने की ज़रूरत है। जिस तरह जनप्रतिनिधि पदाधिकारी और कर्मचारी के साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहे थे इन बरसात के दिनों में, कहीं ना कहीं नगर प्रशासन शिथिल है, उनको जगाने के लिए आज हम लोगों ने 14 सूत्री मांग के साथ उनको मेमोरेंडम दिया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है दीपावली और छठ को लेकर कि दीपावली और छठ में घाटों का सौंदर्यीकरण, घाटों की मरम्मती, घाटों की रंग रंगाई और घाटों की सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी माँ बहन जो छठ में जाके वहाँ डूबते सूर्य को और उगते सूर्य को अर्घ देगी, पूजा करेगी, उसमें घाटों की साफ सफाई अविलंब हो, यही इन 14 सूत्री मांगों के साथ आज हम नगर निगम में गए थे और नगर प्रशासन से मांग किए हैं कि अविलंब इन 14 मांगों को अविलंब सुना जाए और अविलंब इस पर काम और हर एक्टिविटी चालू किया जाए। देखिए, पहली जो बात आपका आ रहा है कि जो पोखर में जो माता का मूर्ति का विसर्जन हुआ है, आज हमने इस चीज़ का जिक्र किया था उपनगर आयुक्त से, और उन्होंने कहा कि कुछ जगह निकाला गया। हमने कहा कि कुछ जगह से काम नहीं चलेगा श्रीमान, जितना भी पोखर है नगर निगम में उन तमाम पोखर को आपको सफाई कराना है, और डिटर्जेंट पाउडर क्या कहते हैं उसको, ब्लीचिंग पाउडर दीजिए उसमें, और उसके बाद जो जहाँ पे वो घाट है उस घाट को आप सफाई कराइए। तो बगल में कोई कर्मचारी थे, उन्होंने कहा क्या कि कुछ विवाद है। हम बोले मेरे भाई, जो विवाद है तो उसमें पैसा कैसे लगा, जिसमें पैसा लगता है नगर निगम का उसमें विवाद नहीं होता है, आज जब पैसा लग गया उसके बाद विवाद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। पर्व हर जगह होता है छठ का, और इसमें नगर निगम को चाहिए कि जहाँ जहाँ नगर निगम ने पैसा लगाया, जैसे मैं उलाव में लगाया है, उलाव में जाकर के देखिएगा तो नगर निगम का पैसा लगा है, उस तालाब को अभी जाकर के देखिएगा तो पूजा करने योग्य नहीं है, तो चाहिए नगर निगम को कि उस तालाब को सफाई करा जाए, और पूर्ण रूप से जहाँ जहाँ भी कचरा उचरा है पूरे क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में कचरा को हटाइए और फॉगिंग करवाइए। एक ही मशीन से आप पूरा फॉगिंग करवा लीजिएगा 45 वार्ड में, आप क्या कर रहे हैं, आप नया फॉगिंग मशीन मंगवाइए और 4500 वार्ड में आप फॉगिंग करवाइए,
क्योंकि आदमी का जो जीवन है कीमती है, मशीन के जीवन मशीन से ज़्यादा कीमती है आदमी का जीवन, और इसीलिए हम चाहते हैं कि फॉगिंग हो और उसके लिए नगर निगम नया मशीन को भी खरीदे। ढक्कन की समस्या है, जहाँ जहाँ रोड है वहाँ ढक्कन नहीं है। अभी बात चल रही थी, एक जगह परमिशन मिल चुका है 25 लाख का और एक जगह का नहीं मिला है एग्रीमेंट। जो 25 लाख का हो चुका है एग्रीमेंट, उस तमाम पैसे से आप ढक्कन लगवाइए, ताकि जो लोग दंड देते हैं नगर निगम में जो तालाब में छठ पूजा के समय में, उनको दिक्कत नहीं हो। ये एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए लोगों का। अगर लाइट का व्यवस्था अगर सुदृढ़ रहेगा तो चोरी अपराधियों का मन नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वो कहा गया है, पुराना कहावत है कि चोर इंजोर को नहीं बर्दाश्त कर सकता है। तो लाइटिंग की व्यवस्था से जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको चलने में सहूलियत होगा, अपराधी है वो लाइट के कारण वहाँ पे अपराध नहीं कर पाएंगे। साथ में सिर्फ आप लाइट का बात किए, हम कहते हैं कि हर एक चौक चौराहा पर आप सीसी कैमरा लगवाइए, ताकि अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए। जो लोग, और ये भी हम कहना चाहते हैं, नगर निगम में ई रिक्शा वाले जो भाई हैं, जो एक पैसेंजर को लेके जाते हैं, जो खाली भी ले जाते हैं, 10 रुपया 15 रुपया देंगे, भाई ये क्या चल रहा है? सारा आप चाहते हैं, नगर निगम के जो हैं पदाधिकारी गण, क्या आप चाहते हैं कि सारा टैक्स आप ई रिक्शा वाले से लेने? नहीं, आप एक तरीका निकालिए, जितना लोग ई रिक्शा पे बैठा हुआ है उस लोगों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक रिक्शा वाला है और उससे 15 रुपया लीजिएगा, वो 15 रुपया दे ही रहा है। लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में 14 सूत्री मांगों को जाके नगर उप आयुक्त महोदय के सामने रखने का काम किया और उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। अभी जो सबसे छूटा हुआ सवाल है कि सामने में जिसको हम महापर्व कहते हैं छठ, और वो छठ व्रती जिस सड़क से जिस पोखर तक वो जाएंगे, तो उस पोखर की दुर्दशा आप देख लीजिए और उस सड़क की आप दुर्दशा देख लीजिए। इसलिए प्रमुखता के साथ हमने इन सवालों को उठाया कि जो गति है पोखर की साफ और सफाई, रंग और रोगन की, उससे नहीं लगता है कि ये समय पर पूरा हो पाएगा, इसलिए इसको युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। दूसरी तरफ जहाँ जहाँ इस तरह का पोखर है और जहाँ छठ व्रती जाते हैं, तो वहाँ से संबंधित जो भी सड़क है, नाला है, अब वहाँ ढक्कन नहीं है, अब वहाँ बदबू आ रहा है, राह चलते लोग गिर जा रहे हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं। इसलिए आप इस बात की गारंटी करें कि उसको यथाशीघ्र ढक्कन युक्त नाला बनावें, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था हो, सड़क इस लायक आप बनाने का काम करें, ताकि छठ व्रती छोटे छोटे बच्चे के साथ, बूढ़े गार्जियन के साथ वो निकलते हैं वो सड़क पर। और तो और आप देखते होंगे कि छठ व्रती सड़क पर लेटते हुए, जिसको कहते हैं कि ये दंड दे रहे हैं, वो सड़क से जाते हैं। तो अभी की जो स्थिति है सड़क की, वो कहीं से नहीं लगती। जब हम पैदल ठीक से नहीं चल पा रहे हैं तो फिर वो छठ व्रती की हालत क्या हो। इसलिए इस तरफ हमने प्रमुखता के साथ ध्यान आकृष्ट किया। हमने कहा कि बढ़ते अपराध के सवाल पर हम ध्यान आकृष्ट करने का काम किया कि अभी छठ पर्व और दीपावली को देखते हुए आपको सचेत हो जाना चाहिए। और उस मामले में इतना तो हम कर ही सकते हैं कि नगर निगम के अंतर्गत जितना संवेदनशील स्थान है, जो मुख्य चौक चौराहा है, आप वहां सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम करें, ताकि बढ़ते अपराध पर जब एक्शन होगा तो एक हद तक उस पर रोक लगाया जा सकेगा। इसलिए इस तरफ हमने ध्यान आकृष्ट किया। प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है, वो भी विधि व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए उस तरफ भी हमने ध्यान आकृष्ट किया कि आप जो कुछ भी लगाए हैं एलईडी बल्ब, आप उसका स्थिति देख लीजिए, आप लोहिया नगर पुल की उस स्थिति देख लीजिए, या बाकी जगहों पर जहां अभी भी अंधकार का साम्राज्य कायम है। इसलिए हम लोगों ने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया कि आप वहां समुचित प्रकाश की व्यवस्था करें। इस तरह से कुल 14 सूत्री मांगों को लेकर हमने ध्यान आकृष्ट करने का काम किया। और हमने कहा कि चूँकि निवर्तमान पार्षद जो हैं, आप उस निवर्तमान पार्षद से आप सहयोग लें, और उसके अलावा जो गणमान्य लोग हैं, हर वार्ड में एक इस तरह का कमेटी गठित की जाए, जिसमें सभी दल के लोग हों, गणमान्य लोग हों और निवर्तमान वार्ड पार्षद हों, और तब जाके हम इस जनता से जुड़ा हुआ जो सवाल है, हम उसका सही निदान निकाल पाएंगे, हम हल कर पाएंगे। दुर्भाग्य है कि चुनाव स्थगित कर दिया गया और इस तरह से अब जो पदाधिकारी हैं वो लापरवाह दिख रहे हैं। पदाधिकारी अगर काम करना चाह रहे हैं तो कार्यालय कर्मी उनका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज बातचीत के क्रम में ये रहस्योद्घाटन हुआ। जिन जिन बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया
कि आप कह रहे हैं तो हमको ये जानकारी मिल रहा है, हमको ये जानकारी भी नहीं था। तो इस तरह से ये नगर निगम की स्थिति है, हम इसके प्रति गंभीर हैं, सचेत हैं, इसीलिए हम आपका सहयोग इसमें समझे कि लेना ज़रूरी है। ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, इसीलिए हमने आपको आमंत्रित किया, आप पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।